नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तत्शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ कुछ इस प्रकार हैं। पहली सूचना है लोक सेवा आयोग से, सेवा नियमावली में संशोधन के इंतजार में फंस गई APS की भर्ती। APS की नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने UPSC में किया प्रदर्शन। सेवा नियमावली में संशोधन के इंतजार में APS की जो नई भर्ती है उस फंसी पड़ी है। 250+ अध्याचन आ चुका है, किंतु आयोग जो है इसमें आगे प्रक्रिया नहीं अपना पा रहा है और सबसे बड़ा कारण है संशोधन को न कर पाना। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा समय किसी चीज़ के संशोधन में लेता है आयोग। कोई भी आयोग हो, बच्चों को, अभ्यर्थियों को ऐसे ही फंसाए रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद होता है। यही कहानी अल्टीग्रेड की भी हो रही है। वहीं टैबलेट और स्मार्टफोन जो है, प्रदेश में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के जो भी छात्र होंगे उनको हर वर्ष दिया जाएगा, ऐसी सूचना आज के समाचार पत्रों में दी गई है। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से भी एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। 108 तरह के कोर्सों पर आज से आवेदन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से शैक्षणिक 2022-23 में दाखिले का आगाज मंगलवार से होगा। स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट व जागरूकता के 118 कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों वो फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। आज से आवेदन शुरू है। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसमें नियुक्ति की मांग को लेकर के सोमवार को मंत्री आवास का घेराव करते पहुँचे TGT और PGT के अभ्यर्थी अपनी समस्या को गुलाबी देवी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके सामने बात रखे। कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों के साथ चयन के बाद भी अभी भी समस्या है। बहुत से ऐसे 2016-21 के अभ्यर्थी हैं जो प्रतीक्षा सूची में थे और उनको कॉलेज वगैरह आवंटित नहीं हो पाया था। आज भी उनकी यही दशा बनी हुई है। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन के बाद भी विद्यालय नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जेल में बंद मगर बन गए दरोगा। दरोगा भर्ती में हर कदम सालभर की मदद लेने वाले ATS ने गिरफ्तार भी किया। 12 जून को नतीजे आए तो चयन भी हो गया। वायरल हुआ मामला तो नाम को हटाया गया। जैसा कि मैंने कल भी सूचना दिया था कि एक अभ्यर्थी का अंतिम चयन हो गया था जो कि फर्जीवाड़े के थ्रू सिलेक्शन पाया था। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के तार कितने ज़बरदस्त ढंग से जुड़े होते हैं कि अंतिम चयन हो गया और रिजल्ट में उसका नाम भी आ गया। और कैसे ये संभव है? एक छोटी सी गलती हो तो हमें आपको जो साधारण अभ्यर्थी हैं उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जुगाड़ से चाहते हैं उनको अंतिम चयन तक अवसर मिल जाता है और कहीं ना कहीं इंट्री उनकी हो भी जाती है। हालांकि इसको निकाल दिया गया है और बहुत से ऐसे हैं जो कि इस तरह से फर्जीवाड़े से पहुँचे हैं, उन पर उचित कार्रवाई भी होगी। ऐसा संज्ञान लिया गया है और ऐसा मामला सामने आया भी है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है NM व नर्स के 8037 पदों पर भर्ती जल्द ही की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की हो रही है तैयारी। मुख्य सचिव बोले भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। हालांकि इसमें दिया है 8037 पदों पर पारदर्शिता के साथ भर्तियाँ सम्पन्न कराई जाएंगी। पारदर्शिता तो आप समझ सकते हैं पारदर्शिता क्या स्थिति है, और फिर भी पारदर्शिता के मद्देनज़र यह भर्ती कराई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी NM या नर्स के इस परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। उम्मीद है UPSSC इसको आगे संपन्न कराएगा तो पेट के भी थ्रू इसकी परीक्षा अंतिम रूप से होनी है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, अग्निपथ वायुसेना में 4 दिन में मिले 94,281 आवेदन। ये बात समाचार पत्रों में लिख करके वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु समझने की बात है कि जो बेरोजगार युवा है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही आगे पढ़ाई जारी रखने का ही कोई उसके पास विकल्प है, तो मजबूरी है उसकी, वो आवेदन तो करेगा ही, चाहे सैलरी कम मिले या ज़्यादा मिले, रेगुलर हो या कॉन्ट्रेक्चुअल में हो। जिनको रेगुलर का अगर नौकरी नहीं मिलती है तो क्या वो प्राइवेट जॉब नहीं करते हैं? करते ही हैं। जीवन यापन करना है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यह वही स्थिति है। हालांकि इसका बड़े पैमाने पे विरोध भी हुआ लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। गलत तो हो रहा है ये, किंतु अभ्यर्थी
भी मजबूर हैं अपनी ज़रूरतों और अपनी चीज़ों को ध्यान में देते हुए इनके लिए और भी अवसर उपलब्ध कराने चाहिए थे, जो कि इनको नहीं मिल रहा है। वहीं दिया है भारतीय वायुसेना में शुक्रवार को शुरू हुई अग्निपथ परियोजना में 3,000 पदों के मुकाबले 4 दिन में 94,281 आवेदन हो गए। तो ये इतने आवेदन आए हैं जिसको लेकर के समाचार पत्रों में दिया गया है। लेकिन जो वहीं पूंजीपति वर्ग हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, उनको दूसरे अवसर मिलते जा रहे हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी फोर्स आदि की तैयारी करता था, कम पढ़े लिखे होने के बाद भी एक अच्छी जॉब मिल जाती थी और देश सेवा का भी अवसर मिलता था, उनके समय को ऐसा घटा दिया गया है कि उनको इसको लेकर के उनके अंदर काफ़ी रोष है। हालांकि प्रक्रिया चल रही है, आगे क्या होगा इसका स्पष्टीकरण समय ही करेगा। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू वेरी मच।